तो थी ना ये साइकिल में। बट इसको ना समझ नहीं आता यहाँ स्टोर्स में आ गए कि क्या ले। गलती नहीं है कि पहले हमने महंगा ले लिया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी सुबह की शक्ल, बाल भी नहीं बने हैं, बस अभी तक मुंह धोया है मैंने उठ के। तो पापा ऑफिस के लिए जा चुके हैं और मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट मेरा बर्थडे है, उससे पहले से काफी टाइम हो गया जिम में नहीं जा रहा हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ, और लास्ट मुझे 20 से 25 दिन हो गए प्रोटीन डाइट नहीं ली है, प्रोटीन भी खत्म हो गया है मेरा, तो बॉडी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यार बॉडी के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक चीज बताता हूँ जो मुझे डेली चाहिए ही चाहिए, उसके बिना शायद ही मैं रह सकता हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ और मम्मी सो रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही शेक तो नहीं बनाना पॉसिबल हो रहा है लेके। यहाँ पे हमारा एक मग पूरा दूध का आ चुका है, मतलब पूरा तो नहीं है, आधा भरा हुआ है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये दो टाइम तो चाहिए ही चाहिए। और मेरी एक आदत है कि मुझे गर्म दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मीठा दूध मेरे को पसंद है, तो इस तरीके से कच्चा दूध लेना है। और सुबह सुबह वेदर एंजॉय करते हुए बाहर का, ऐसे आज तो काफी धूप हो गई है। मैं हमेशा आप लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट मैं आपने देखा होगा काफी व्लॉग्स में मैं ज्यादातर बाहर का खाता हूँ, और आपने एक चीज भी नोटिस करी होगी कि मैं सुबह सुबह ही बाहर का खाता हूँ और मेरा कोई टाइमिंग नहीं होता बाहर का खाने का। उसका रीजन ये है कि मेरे घर में जब खाना बनता है तो वो सुबह तक नहीं बचता है। मेरे घर पे सीन ऐसा है कि जैसे रात को खाना बनता है तो सुबह तक इतना नहीं बचता है और बहुत रेयर होता है, तो मम्मी बनाती भी नहीं है। इवन अगर मुझे खाना नहीं होता तो कई बार रात को भूख लगती तो ऐसे भी रहता है कुछ होता ही नहीं है खाने को, क्योंकि मम्मी कहती है कि गरम गरम खा ले, और उसके बाद फिर लिमिटेड बनाती है मम्मी, या फिर जब भी मम्मी होती है तो मम्मी को एकदम बोला और मम्मी बना देती है। अब भाई सुबह सुबह सीन ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, चटपटा कुछ खाने का मन करता है, और जब कुछ घर पे जैसे ब्रेड नहीं होती है, अंडे नहीं होते, तो मैं सोचता हूँ बाहर तक तो जा ही रहे हैं अंडे ब्रेड लेने, तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ खा के आया जाए। सुबह सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में जो चीज अवेलेबल होती है वो है ये मौसमी का जूस, साथ में अपने पास ये छोले भटूरे जो कि मैंने पीछे रखे हुए हैं, क्योंकि इस बार हमने फिर से अमेज़न से बहुत सारी शॉपिंग करी है, और इस बार हमारा जो फर्स्ट वीडियो होने वाला वो होने वाला हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट वीडियो, यानी कि ऐसी जो चीजें जो हमें डेली लाइफ में यूज होती है। पार्क एवेन्यू लग्जरी ग्रूमिंग की अच्छी बात इसकी ये है कि वैसे तो देखो मैं मोस्टली बाहर करवाता हूँ, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है कि घर पे हमें शेव वगैरह करना पड़ता है, तो इस किट के अंदर हमें सारी चीजें मिल जाती है। इसकी जो सबसे अमेजिंग चीज है वो ये है कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल किट है, ये हमें एक ट्रैवलिंग किट की तरह भी यूज कर सकते हैं, अगर हम ये ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एम कैफीन का रिच चोको बॉडी लोशन, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, क्योंकि अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो एकदम चॉकलेट वाला फ्रेग्रेंस आता है, और आपको पता है कि चॉकलेट तो सबको पसंद ही होता है। एम कैफीन बॉडी लोशन एंड गाइस अगर इसकी बात करें तो फ्रेग्रेंस है ना वो अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। जब भी हम कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि मेरी एक चीज बहुत फेवरेट है, जैसे मुझे शूज बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे परफ्यूम्स के कलेक्शन मेरे में बहुत ज्यादा है, तो लास्ट टाइम डॉल्चिन गबाना देखा था आपने, अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास मिनीसो, तो ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना और एक जो अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आपको पता है ये मैंने कहाँ से ऑर्डर करा, ये मैंने ऑर्डर करा है अमेजोन से। तो अब इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो किसी को भी अपने करीब लाना है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं, बट हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज मैं यूज कर रहा हूँ, जो मुझे अपनी तरफ से बेटर लग रही है और एक अफोर्डेबल प्राइस में, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, 6 to 10 August फ्रीडम सेल चल रहा है अमेजोन पे, प्राइम मेंबर्स अर्ली एक्सेस कर सकते हैं 5 August से, तो जल्दी से जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके अपनी शॉपिंग करें और बेस्ट डील ग्रैब करें। कुछ गिफ्ट्स है जो कि मैंने दिए थे, लेग्स को देख के लगता नहीं इतने हैवी है, भी एक्सचेंज कराना है, और देखते हैं अगर कुछ और भी अगर शॉपिंग करनी होगी अच्छी तो वो भी करते हैं। मुझे तेरा साइज बता दो, बट ऑप्शन में नहीं था। तो गाइस अभी हम चेंज कराने जा रहे हैं, और ये मुझे भी पता है क्या कंप्लेंट कर रही है, ये कह रही है कि तेरा पूरा बर्थडे व्लॉग मैंने बनाया है। हाँ, और तूने मुझे ही नहीं दिखाया। मैं इतनी अच्छी ड्रेस पहन के आई थी, तूने मुझे एक बार भी अच्छी नहीं बोला कि वाह वाह कितनी अच्छी लग रही है। बोला था ऑफ कैमरा, बोला था ऑफ कैमरा, बोला ऑफ कैमरा। चल आज भी गाइस मिनी का ड्रेस
बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं किसी रीजन की वजह से शॉर्ट ड्रेस पहन के आई। पूरे पैर में चोट लगी हुई है, तो सारे लोग प्रे करो मिन्नी के लिए। वन लाइक वन प्रे, सब्सक्राइब प्लीज, कि मिन्नी जल्दी से ठीक हो जाए। हाथ जोड़ के थोड़ी सी तो सिंपैथी दे दो यार, थोड़ी सी सिंपैथी। वन लाइक वन प्रे, देखो आप लोगों के लिए इतने अपना पैर चिलवा लिया। और तेरे लिए मैं एक्सचेंज करवाने जा रही हूँ, मेरी शक्ल देख के ही एक्सचेंज करेंगे। हाँ, क्योंकि बिल इसी के पास है उसका। तो अभी हम चेंज करवा रहे हैं और मैं देखता हूँ। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों का एक्सचेंज करा के और पैसे मिला कुछ अच्छा ले लूँ। हाँ? या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसने अगर लोवर दिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है ना, गिफ्ट था, तो मैं सोच रही थी कि लोवर ज्यादा यूजफुल होंगे डेली वेयर में। सही नहीं, मेरे को चाहिए भी लोवर ही है, तो देखते हैं अभी वहाँ चल के देखते ऑप्शन में क्या क्या है, उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। वैसे पूमा में काफी अच्छी सेल भी चल रही है और बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी वैरायटीज है, बट उस दिन नहीं थी तेरे साइज की। अब मैं क्या करती, बट मैं स्टिल ले आई, मैंने कहा एक्सचेंज करवा दूंगी। मिनी तो साइकिल चलाने का बहुत शौक है ना, तो कर सकते साइकिलिंग में जाके। यूज करता था ना ये साइकिल में, यहाँ पे वो टैलेंट का यूज कर रहे हैं। जाऊँ मैं फिर। क्या आएगी? मूवी आएगी, हमें जाना है वहाँ फिल्म बना। गाइस, इसको कुछ चीजें पसंद आ रही है, जहाँ से मैंने लिया था, जिस सेक्शन में से। मेरे को सारी पसंद आ रही है, लेकिन साइजेस नहीं मिलते। साइज की तो प्रॉब्लम है, इतने टाइम से सेल चल रही है ना। नहीं बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल चमकेगा क्या कहते हैं जिम में, अगर जिम के आउटसाइड पहनना। देख उधर भी जा सकता है वैसे तू, इफ यू वांट टू, थोड़ा ऐड ऑन करके ले लो। मुझे नाइकी के ज्यादा अच्छे लगते हैं यार, बट प्यूमा ना अलग से दिखता है, दिखता है कि प्यूमा पहना है। ठीक है, शॉपिंग तो चल रही है अभी, बट इसको ना समझ नहीं आता है यहाँ स्टोर्स में आके कि क्या ले। अभी इसको जिम वेस लेने हैं। यहाँ से ये वाले पोर्शन से थोड़ा ब्रॉड है, तो इसलिए नहीं आ पाता है। बट अगर तूने थोड़ी और बॉडी बिल्डिंग कर ली और टाइट हो गया तो कलर अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है तूने ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं तुझे। आओ नहीं तेरे थाइस बहुत ज़्यादा एविडेंटली टाइट। हाँ लूज है ये तो, ये बहुत बैगी सा लग रहा है, जैसे घर पे पहनने वाले नहीं होते जॉग। सॉक्स तो अच्छी लग रही है तेरी। हाँ एक दो साल पहले खरीदता ना तो सही आ जाता। पता है अगर सच बताऊँ अगर, हाँ बहुत टाइट है। हाँ अगर थोड़ा सा वेट कर लेगा ना तो पता नहीं, ऑफर में मुझे पता नहीं, बट साइजेस आ जाएंगे मेरे ख्याल से स्टोर पे ना। बट जिम में जाके थोड़ा सा ऐसा लगेगा और फिर मुझे भी आदत पड़ जाएगी थोड़ा सा लड़कियों की तरह। तो फाइनली मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक लोअर पसंद आया, तो इसको डन करते हैं और इसके साथ में कोई टी शर्ट वगैरह देखते हैं, क्योंकि लोअर के साथ में टी शर्ट तो होना ज़रूरी है। ओह नाइस यार, देख ले यार अलग ही फिट होता है इसका ना, तुझे मीडियम आता है बहुत परफेक्ट। हाँ एक्चुअली जीन्स पे नॉर्मल कैजुअल वेयर पे भी अच्छा लग रहा है। मसला पक्का 100% डन।
कुछ और साइज में नहीं है यार, कलर अच्छा लग रहा है बट पूमा लिखा हुआ इतना एविडेंट नहीं है तो आई डोंट नो करना है। एक टी शर्ट और लेनी पड़ रही है क्योंकि बिल हमारा जो है, मैं ये कह रहा था कि वापस पैसे नहीं देते, नहीं एक्सचेंज ही होगा। जब हम जितना सारा सामान ले रहे हैं हमारे पैसे फिर भी बच रहे। फिर यार तो उनकी गलती नहीं है कि पहले हमने महंगा ले लिया और अब हम सस्ता सस्ता ले रहे हैं। सस्ता तो नहीं बोल सकते बट जो ऑफर में तो ऑफर में। अच्छा, जो 150 रुपए बचेंगे उनका उनको बैग आ जाएगा। गाइस इसे लास्ट में इतना तक गया कि डोर खोल के ही कर रहा है। नाइस, दिस कलर इज लुकिंग वेरी नाइस फिटिंग। हाँ, और इसमें जो ये जो अलग से पाइपिंग है ना, ये बहुत एनहेंस कर रही है कलर को ना बहुत। हाँ, सब दिख रहा है इसमें। एक्चुअली कैजुअल वेयर पे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना ये। जिम में तो पहनेगा ये, ऑब्वियस बात है, बट नॉर्मली डेली वेयर में भी ऐसी। एक और है पिंक कलर में, बट वो देख ले एक बार, फोन खुला छोड़ के चला गया। ब्लैक तो लेनी है। ब्लैक तो एक बार। हाँ ठीक है, ब्लू कलर बहुत फेडेड सा लग रहा है ये वाला, है ना, ये ब्लू कलर बहुत कॉमन। अब यार डिपेंड करता है, देख ब्लैक कलर ना थोड़ा श्रिंक होता है तो कलर्स पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली ये तो इस लोअर के अकॉर्डिंग सोच कि इस लोअर के साथ क्या वेयर कर सकता है। हाँ, हो गई शॉपिंग आपकी सेटिस्फाइड? वैसे ज्यादा सही है, ज्यादा सामान ले लिया, देख मैं आता हूँ तो मेरे को पता होता है। एक्चुअली पता है गिफ्ट का यही होता है, कपड़ों में ऊपर चलना है, खाना नहीं है कुछ। यार बिना खिलाए पिलाए ले जा रहा था। इतना तो वो मत कर कि मैंने तुझे गलत साइज दिलवा दिया। देखो कितनी अच्छी लड़की है, इसके पैर में लगने के बाद भी बेचारी मेरे लिए सारी चीजें लेके आती है। मिस्टर मृणालिनी तो उसने लड़का समझ लिया होगा गलती। श्रद्धांजलि दे गया। चार फूल पड़े। बाय बाय मिनी। तो गाइस मिनी हमेशा मेरा इतना ध्यान रखती है, भगवान सबको ऐसा दोस्त दे। और देखो बिचारी के पैर में लगा हुआ है। हाँ, इसके देखो पैर में लगी हुई है, उसके बाद भी ये मेरे एक्सचेंज के लिए वहाँ पे गई। सोच इतनी गंदे पैरों के साथ मैं पूरे वेगस में घूम ली। गंदे पैर क्या है, पैर सही है, चोट तो किसी की भी लग सकती है। बट लोग सोच रहे होंगे ये ऐसे हालत में क्यों आ गई। तो बारिश में किसी ने बोला था ना, आज मैं नाचे छम छम छम। बारिश भी प्यार होती है। ओके बाय बाय, घर जाओ। देख तेरे लिए कुछ है। हाँ, कोरियन ड्रामा। बाय बाय बाय।